तो एक क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है कि क्या फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल, बायोमेडिकल, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट आईटी कंपनी की प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं या नहीं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने दिखाया है कि कैसे केमिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, बायोकेमिकल और बायोमेडिकल के स्टूडेंट ने आईटी कंपनीज में प्लेसमेंट गेन किया है। तो काफ़ी सारे जो आईआईटी जेईई के न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया, वो पूछ रहे हैं कि मतलब कैसे केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट आईटी कंपनीज में प्लेसमेंट ले रहे हैं। तो इसके ऊपर वैसे मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई है, मैंने कंपनीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आईआईटी में आती हैं नियर अबाउट 300 कंपनीज, उसमें से 40 या 50 कंपनीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक और एमएनसी, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग्स, उस डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिकली उन्हीं डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को प्लेसमेंट में बैठने देती है। नियर अबाउट 200 कंपनीज या 250 कंपनीज ऐसी हैं जो आईटीज की, जो आईआईटी में सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट में बैठने देती है। अब क्वेश्चन यह आता है कि केमिकल इंजीनियरिंग का आईटी की प्लेसमेंट के लिए तैयारी कब करता है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में ही काफ़ी सारे बच्चों को एक कॉमन कोर्स लगता है C++ कंप्यूटर रिलेटेड लैंग्वेज का, तो वो वहाँ से शुरू करते हैं। और ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट बीटेक कोर्स, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, वो आईटी कंपनी के प्लेसमेंट के रिगार्डिंग ही तैयारी करते हैं। वो कोर ब्रांच कंपनीज के रिलेटेड इतनी तैयारी नहीं करते, क्योंकि उनको दिखता है कि आईटी कंपनीज में ही जो पैकेज है वो काफ़ी हाई मिल रहा है। इसलिए कोर कंपनीज कई बार आईआईटी में आती नहीं, मोस्टली आईटी कंपनीज ही आती हैं जिसके लिए ये सभी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। तो अब मैं आपको कुछ कंपनीज के प्लेसमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं एरिस्टा कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देख सकते हैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथ्स के स्टूडेंट इस कंपनी की प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे। नेक्स्ट कंपनी है ट्रू माइंड्स, 60% आपके 10th और 12th दोनों में होने चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के रोल के लिए आई थी। CGPA रिक्वायरमेंट इनकी थी 7.5 और आप देख सकते हैं इसमें BTech और IDD के स्टूडेंट ही अलाउड थे और ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल थे। एंड टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने, और डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स। मास्टर कार्ड ने केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग और फार्मेसी के स्टूडेंट एलिजिबल थे। विंजो कंपनी ने कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स के स्टूडेंट ही इसमें एलिजिबल थे। अमेरिकन एक्सप्रेस ने 2 स्टूडेंट हायर किए। डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं इसमें सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट अलाउड थे। CGPA रिक्वायरमेंट 7। फ्यूचर फर्स्ट ने 2 स्टूडेंट हायर किए। ट्रेनिंग मार्केट एनालिस्ट का रोल था। सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल थे। टेक होम पैकेज 10 लाख। AQR कंपनी ने 27 लाख का पैकेज दिया। सिर्फ एक स्टूडेंट को हायर किया। टेक होम पैकेज 23। वेल्स फार्गो आई थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के रोल के लिए। BTech और IDD के स्टूडेंट ही अलाउड थे इसके प्लेसमेंट में बैठने के लिए। CGPA रिक्वायरमेंट 6.5 थी और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 नंबर मेंशन किया है। इसका मतलब यह है कि IIT से इसने 2 स्टूडेंट्स को हायर किया। BTech IDD के स्टूडेंट को इन्होंने 35 लाख का पैकेज दिया जिसमें टेक होम पैकेज था 24 लाख। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 1 के लिए आई थी ये। CGPA रिक्वायरमेंट इन्होंने 7 मांगी थी। कोर्स BTech और IDD के स्टूडेंट ही अलाउ थे और डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं इसमें ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट अलाउ थे प्लेसमेंट में बैठने के लिए। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट कंपनी, असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर 1 के रोल के लिए आई थी। ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट इसके प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते थे। नेक्स्ट कंपनी है गूगल, ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट इसके प्लेसमेंट में बैठ सकते थे। नेक्स्ट है एनवीडिया कंपनी। एनवीडिया कंपनी बीटेक के साथ साथ एमटेक और पीएचडी के स्टूडेंट के लिए भी ओपन थी। आप देख सकते हैं बीटेक के स्टूडेंट को ये 27 लाख का पैकेज दे रही है जबकि एमटेक और पीएचडी के स्टूडेंट को 31 लाख का। टेक होम पैकेज 16 लाख और 18 लाख है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट अलाउ थे, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथ्स। नेक्स्ट है जैगुआर कंपनी। जैगुआर कंपनी ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग के रोल के लिए आई थी। ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल थे। ओरेकल कंपनी की हैदराबाद और बेंगलोर की लोकेशन के लिए आई थी और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं इन्होंने CGPA जो रिक्वायर्ड रखा है वो है 7
और डिपार्टमेंट इन्होंने कौन कौन से एलिजिबल रखे हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, फिजिक्स एंड मैथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेसिमल पॉइंट एनालिटिक्स की। CGPA रिक्वायर्ड था 8, BTech के स्टूडेंट ही सिर्फ अलाउ थे और ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट इस कंपनी के लिए ओपन थे। शाइफोर्न कंपनी की जो कि पुणे के लिए आई थी और इनका जो CGPA रिक्वायर्ड था वो था 8 और ये मल्टी डिसिप्लिन फुल स्टैक डेवलपर के रोल के लिए आई थी। ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल थे। नेक्स्ट कंपनी हम बात करते हैं स्प्रिंकलर 3 रोल्स के लिए आई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट एनालिस्ट, उसमें BTech और IDD के स्टूडेंट ही एलिजिबल थे। ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट एलिजिबल थे। नेक्स्ट कंपनी है एक्सेला एडवाइजरी, ट्रेनी एनालिस्ट के लिए रोल के लिए आई थी। CGPA रिक्वायरमेंट इन्होंने 5 रखी थी। कोर्स BTech और IDD के ही स्टूडेंट अलाउ थे और डिपार्टमेंट में देख सकते हैं आप सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल थे। नेक्स्ट कंपनी है कोहेसिटी मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ के लिए आई थी। एलिजिबल क्राइटेरिया रखा था CGPA रिक्वायरमेंट 8, कोर्स BTech IDD कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए आई थी। तो ऐसी बहुत सारी IT कंपनीज आती हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ही अलाउ होते हैं और किसी किसी में सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। मैं इन पर वीडियो बनाता रहूँगा, तो मैं ज़रूर कुछ आने वाले टाइम में वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताऊँगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट कौन सी कंपनीज़ के प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हैं और मैं साथ ही साथ उन कंपनीज़ का पैकेज ब्रेकअप भी दूंगा। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।